आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने गिनाया सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां। नगहा क्रॉसिंग पर जल जमाव की समस्या को लेकर फौजियों के परिजनों ने किया चक्का जाम व प्रदर्शन। कोतवाली पुलिस के संरक्षण में चल रहा शहीद स्थली पर अतिक्रमण का बाजार। गोरखपुर जनपद से टैंकर में से डीजल चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए 4 धंधेबाज। और ब्रह्मलिहीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कोरोना महामारी एवं हमारा स्वास्थ्य विषयक संगोष्ठी का गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में हुआ आयोजन। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री आज गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि इस सरकार में जमीन से लेकर आसमान तक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जो कई सालों में पिछली सरकारों ने नहीं किया, वह मौजूदा सरकार ने महज 4.5 सालों में कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आपदा के दौरान मदद, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, गन्ना कृषकों का वर्ष 2020 से 2021 में करोड़ों की सौगात देना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित तमाम योजनाओं को गिनाकर अपनी उपलब्धियाँ गिनाई। हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस कप्तान महोदय, हमारे बड़े भाई पत्रकार मित्रों, आपको पता है कि आज के दिन 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के सरकार का पूरा हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदृष्टि एवं प्रशासनिक कौशल से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सभी के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रारंभ से अब तक 1,34,000 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए 1917 से लेकर अब तक 4,22,000 से ज्यादा परिवारों को लाभांवित किया गया। गोरखपुर शहर बाढ़ व बरसात के पानी से चारों तरफ से घिरा है। गली, मोहल्ले और कॉलोनी जलमग्न हो गए हैं। जिला प्रशासन भी पानी निकासी की व्यवस्था में लगा है, लेकिन गोरखपुर स्थित नकहा रेलवे क्रॉसिंग कॉलोनी में महीने भर से जलमग्न है। पूरी कॉलोनी में पानी लगा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियाँ हो रही हैं। इस कॉलोनी में सभी फौजियों के परिवार रहते हैं, जो इस वक्त बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उनका परिवार जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है, पर इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। रिटायर्ड फौजी प्रदीप यादव के नेतृत्व में तमाम फौजी परिवार द्वारा नकहा रेलवे क्रॉसिंग के पास रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द जल जमाव की समस्या से निजात दिलाई जाए। कुमार यादव, नकहा क्रॉसिंग, हम लोग जल जमाव को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 अगस्त से यहाँ पर जल जमाव हुआ है। हमने कई बार जो है अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने कोई सुध नहीं लिया। 29 तारीख को जन्माष्टमी के दिन हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि अगले दिन आपका पानी का व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जेई और एई कोई भी यहाँ दोबारा मौका झांकने नहीं आया। उस समय बाढ़ का समय था, हम लोगों ने उन्होंने बताया कि सर बाढ़ से पहले लोगों को बचाना है, उसके बाद जो हम यहाँ पर कर हम जो कॉलोनी के वासियों ने बोला ठीक है आप लोग बाढ़ वासियों को पहले बचाइए, उसके बाद हम लोगों को बचाना है, लेकिन उसके बाद कोई कर्मचारी, कोई अफसर कोई भी नहीं आया।
गोरखपुर महानगर में अमर शहीद बंधु सिंह की शहीदी स्थल से अतिक्रमण हटाना नगर निगम के लिए चुनौती बन गया है। आज़ादी के परवाने अमर शहीद बंधु सिंह को बर्तनिया हुकूमत ने 12 अगस्त 1858 में आर्य नगर स्थित दुर्गा मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दी थी। देश को आज़ाद कराने में शहीद बंधु सिंह का अहम योगदान है। अंग्रेजों से देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन शहीद स्थली को नगर निगम अतिक्रमण के जंजाल से अब तक मुक्त नहीं करा पाया है। मंदिर के महंत राजन दास ने बताया कि यहाँ से अतिक्रमण हटवाने के लिए हमने न जाने कितनी बार नगर निगम और बड़े अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे लिया, लेकिन यहाँ से अतिक्रमण हटने के बाद फिर लग जाता है। कहना ये है कि कर्नल साहब आए थे यहाँ पे तो अतिक्रमण तो हटा के चले गए, परंतु अतिक्रमण पुनः हो गया। इसकी कोई स्थिर व्यवस्था नहीं बन पा रही है प्रशासन और शासन के द्वारा। ये यहाँ पे जब भी बाबू बंधु सिंह, हमारे परम पूज्य बाबू बंधु सिंह की जब स्थापना दिवस रहता है और जब शहीद दिवस मनाया जाता है, उसी समय यहाँ नगर निगम और प्रशासन दिखाई देती है, अन्यथा उसके बाद साल भर ना यहाँ कोई माला पहनाने आता है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है। विद्युत उपकेंद्र मोहद्दीपुर गोरखपुर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन 22वें वर्ष में बड़ी ही धूमधाम से किया गया। विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा जी की प्रतिमा का पूजा अर्चना किया गया, साथ ही सभी विद्युत उपकरणों का भी पूजा पाठ श्रद्धा पूर्वक किया गया। और आज मोहद्दीपुर विद्युत उपकेंद्र पर सभी बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गण की उपस्थिति में विश्वकर्मा जी का आरती पूजन करने के बाद उनका विसर्जन किया गया। इस संदर्भ में विद्युत उपकेंद्र मोहद्दीपुर के जेई राम जनक सिंह ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा हर वर्ष सभी विद्युत कर्मी और अधिकारी धूमधाम से मनाते हैं और उनकी कृपा से हमारे विद्युत कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आती और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। इस दौरान कर्मचारी नेता विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रहलाद उर्फ पन्ना, माइकल, अर्जुन और सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित रहे। रामजनक सिंह, ये किस तरह का कार्यक्रम जो है? ये हम लोगों का सनातन धर्म से चला रहा विश्वकर्मा जी का पूजा, जो यहाँ 20 साल से 21वां साल चल रहा है और धूमधाम से यहाँ के सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं इसको त्यौहार के रूप में। और जो भी यहाँ के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आराधना किया जाता है। और मूर्ति पहले बड़ी बड़ी लगती थी, लेकिन कोरोना काल में ये मूर्ति छोटी कर दी गई और पिछले साल तो नहीं अलाउ हुआ, इस साल मिला था तो छोटी मूर्ति लगा करके पूजा किया गया श्रद्धा पूर्वक। गोरखपुर जनपद के बैतालपुर डिपो से आपूर्ति करने निकले टैंकर को बीच रास्ते में रोककर डीजल चोरी कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने बीते शनिवार की शाम रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से करीब 250 लीटर डीजल, गैलन, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पाइप आदि उपकरण भी बरामद किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा से लेकर बैतालपुर तक डीजल माफियाओं का सिंडिकेट फैला हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को पहले से ही थी, जिसको लेकर चौरी चौरा SDM अनुपम मिश्रा और CO जगत राम कन्नौजिया के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को डीजल चोरी करते रंगे हाथों दबोच लिया। SDM अनुपम मिश्रा ने बताया कि डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और एक टैंकर के साथ भारी मात्रा में डीजल भी बरामद किया गया है। चौरी चौरा क्षेत्र में कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि टैंकरों से तेल निकाल के और ये अवैध कार्रवाई की जा रही है, उसी को संज्ञान में लेते हुए आज क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा और पुलिस यहाँ थाना अध्यक्ष हैं चौरी चौरा, उन सबके नेतृत्व में एक सामूहिक रूप से एक आज कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत एक टैंकर को भी जब्त किया गया है और 220 लीटर जो डीजल है और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से वो तेल निकालने की कार्रवाई की जा रही थी, उसको जब्त किया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद में गुड मॉर्निंग अभियान के तहत आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विभिन टाडा द्वारा शहर के मॉर्निंग वॉक किए जाने वाले विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया गया। इस दौरान SSP विभिन टाडा और घुड़सवार पुलिस दल की टीम ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर का भी भ्रमण किया और छात्रों से विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेने के साथ ही वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बातचीत कर जानकारी ली गई। इंडियन आर्मी की भर्ती तो काफ़ी टाइम से निकली नहीं है आर्मी की, कोरोना में भर्तियाँ बंद हो गई, अब आएंगी एकदम से कोरोना आते ही।
तुम्हारे यहाँ यूनिवर्सिटी में गुंडे ही तो नहीं करते लड़के, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा? गोरखपुर जनपद के खदनी थाना क्षेत्र स्थित परसिया गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान रुदल प्रसाद मौर्य की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान रुदल प्रसाद मौर्य अहमदाबाद में सूबेदार पद पर तैनात थे, जिनका बीते शनिवार को सुबह टहलने के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कल देर शाम जब उनका शव उनके पैतृक गाँव परसिया पहुँचा तो पूरे गाँव में कोहराम मच गया। बीएसएफ जवान रुदल प्रसाद मौर्य का अंतिम संस्कार गोला स्थित मुक्तिधाम घाट पर किया गया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत आज वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कोरोना संक्रमण के बारे में बताते हुए उससे बचाव के उपायों को भी बताया। कुछ कुछ लोगों में ये भी पाया गया, बहुत सारे लोग जिन बखंड के बुखार आना, उसके बाद थकान आप लोगों ने बता दिया था, सोर थ्रोट इन्होंने बहुत अच्छा बताया, गले में खराज भी होती है और जी मिचलाना और डायरिया पतले दस्त होना, ये भी इसमें काफी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण हर किसी में हैं, किसी किसी में तीन लक्षण है, किसी किसी में चार, किसी में वो डिपेंड करता है, हर किसी व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होंगे, लेकिन ज्यादातर लक्षण इन्हीं में से होते हैं। गोरखपुर जनपद में सनरोज संस्थान द्वारा कला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महानगर के निजी लॉन में आयोजित इस सम्मान समारोह का उद्घाटन अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आजमगढ़ जनपद के संगड़ी तहसील स्थित दिगवनिया गांव में अन्याय शोषण एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने ग्रामीणों संग बैठक कर उन्हें उनके अधिकार के बारे में बताकर जागरूक किया। इस दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय इसी गांव के रणबांकुरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, लेकिन अमर शहीदों के सपनों को आज देश के जनप्रतिनिधि नेता सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चकनाचूर कर रहे हैं। यह डिघनिया गांव में जो बैठक हुई है या गांव सरकार पर चर्चा को लेकर के हुई है, हम लोग ऐसे ही हर गांव जा कर के गांव सरकार के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि गांव सरकार आपका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग आप लोग करिए, इसको जानिए कि गांव सरकार से क्या क्या फायदा है। जनता की सेवा के लिए राष्ट्रीय पार्टी लोकनायक जयप्रकाश मंच का गठन जो 2 साल पहले किया गया था, जो आए दिन जन समस्याओं को मुद्दे को उठाता रहा है, ये बातें लोक नारायण जयप्रकाश मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम बख्शी ने कार्यक्रम के दौरान कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस पार्टी का मकसद राजनीति या सत्ता की राजनीति करना नहीं है, बल्कि जनता की सहूलियत के लिए राजनीति करना है और अब ये पार्टी जगह जगह धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से जनता की समस्याओं से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज़ बुलंद करने का काम कर रही है। जी ने हमेशा लोगों को जातिपात, धर्मवाद, संप्रदायवाद और जितने भी कुरीतियाँ थी उससे उन्होंने लोगों को दूर रखने का प्रयास किया। जो हमने स्वतंत्रता इतनी कुर्बानियों को देने के बाद प्राप्त किया, आज यह समाज में दिखाई पड़ रहा है कि एक बार फिर हम पूंजीवाद और धर्मवाद और जातिवाद के चंगुल में फंस जाएंगे और निश्चित रूप से जो हमने संघर्ष की लड़ाई लड़ी है वो एक बार फिर से देश पूंजीवादी व्यवस्था के जाल में फंसता जा रहा है। अपने एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के जिलों के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश सचिव, गोरखपुर जिला एवं महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान एवं महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्र एवं प्रदेश सचिव अमरेंद्र मल्ल, पूर्व विधायक अंबिका सिंह, दिनेश चंद श्रीवास्तव, अरुण अग्रहरी, राजेश तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि पूर्वांचल में प्रतिज्ञा यात्रा
हम वचन निभाएंगे की शुरुआत 7 अक्टूबर से होगी, जिसके तहत आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए पार्टी की जीत की नींव रखी जाएगी। 8 जिलों की समीक्षा बैठक थी जिसमें गोरखपुर भी था। सभी कार्यकर्ता और जो भी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं सबकी एक समीक्षा बैठक थी। उसमें संगठन सृजन अभियान के तहत ग्राम सभा में कितने ग्राम सभा अध्यक्ष और न्याय पंचायत की कमेटी कितनी पूर्ण हो गई है उसकी भी एक कार्यकारिणी पूछी जा रही थी। और विधानसभा का टिकट जो भी जमीन पर हमारे कार्यकर्ता अच्छे मजबूती से हैं उनको ऊपर से हाईकमान जिसको निर्णय देगा उसके साथ चुनाव लड़ने के लिए उसे आदेश किया जाएगा। देखिए 7 तारीख से एक प्रतिज्ञा यात्रा है हमारी जो अयोध्या से निकलेगी और 12 तारीख को गोरखपुर में इस रैली का समापन यहाँ होगा। इसलिए उस रैली में सारे कार्यकर्ता अपने दमखम लगा कर तैयारी कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जनपद में प्रदेश का भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल विकास कार्यों जैसे प्रदेश की सड़कों, गाँव, जिलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर किए गए काम के बारे में भी बताया। तो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों बिंदुओं पर हमारी सरकार कारगर तरीके से काम कर रही है। यूं कह लिया जाए कि कुल मिलाकर के ये 4.5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उपलब्धियों की सरकार रही है, जनता की कसौटी पर खरी उतरने वाली सरकार रही है, जो कहा उसे पूरा करके दिखाने वाली सरकार रही है। इस क्रम में संत कबीर नगर जनपद में भाजपा सांसद प्रवीण निषाद और बस्ती में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मोती सिंह ने भी प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष में किए गए कार्यों के बारे में लोगों को बताया। सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार 4.5 वर्षों में क्या क्या कार्य प्रदेश की जनता कर रही है और हम सभी लोग और प्रदेश की जनता भी पूरी तरीके से संतुष्ट है। हमारे प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं और निश्चित ही जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश से अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बन गया है, गुंडा मुक्त प्रदेश बन गया है और जो प्रदेश की जनता का पूर्ण रूप से संरक्षण सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं महाराज जी और नारी शक्ति के विशेष केंद्रित होकर कार्य कर रहे हैं। आज जो नारियों का सम्मान इस उत्तर प्रदेश में बढ़ा है वह आप उत्तर प्रदेश की धरती पर आने का उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था विकास किए गए कार्यों की उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने ही नहीं की, WHO ने की, विश्व के अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर ये हमारी उपलब्धि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग, कभी आपको सौभाग्य मिला हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन का, वहाँ पर जिस तरह के अद्भुत विकास की रूपरेखा रखी गई है वह अकल्पनीय है, कल्पना के परे है। हमारे पर्यटक स्थल देव दीपावली का उत्सव अयोध्या में, अवध वासियों को सम्मान देने का विषय एम्स गोरखपुर, मेडिकल कॉलेज बस्ती और बस्ती में जितने भी कार्यक्रम हमने किए हैं उसका लेखा जोखा लिखित रूप में आपको हमने दिया है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज़ नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।